Boys, take your positions. अंश, लास्ट टाइम ये नहीं, इसकी किस्मत खेल रही थी। देवर तो देख इसके, अकड़ आ गई है मुल्ले में। अंश, डक आउट कर और ग्राउंड से बाहर निकाल साले को। सिर्फ ग्राउंड से? देश से निकालेंगे जिहादियों को। ए जिहादी, जिहादी, ग्राउंड से नहीं, देश से। प्लेन में निप्पल, फिर से पैदा होना पड़ेगा। तेरे को नहीं, तेरे बाप के बाप को। हमको तो बहुत दूर की बात, हमारा बाल भी नहीं निकाल सकते। चल। मुझे निकाल साले। यहां पे खेलने आए हो या लड़ने? ये लड़ने आ रहा है कोच। ये देश का, इसके बाप का है। यस, मेरे बाप का है। तो ये देश हम सबके बापू का है। वो स्टिकला तोड़ो। ये दो इधर तोड़ो, ठीक से तोड़ो। क्या हुआ? नहीं टूट रहा, टूटेगा भी नहीं। ये मेरे देश की ताकत है। हाँ, मगर अलग अलग करके जरूर तोड़ा जा सकता है। सॉरी कोच, ये बातें सिर्फ सुनने में अच्छी लगती है, रियलिटी में नहीं। इन लोगों ने देश बर्बाद कर रखा है। सही कहा, बर्बाद हमने नहीं, तुम मुल्लों ने कर रखा है। कुछ बर्बाद नहीं हुआ मेरा देश। कुछ बुरे लोग उधर भी है और कुछ लोग इधर भी है। धर्म का धंधा है, हर बंदा उसमें अंधा है। लेकिन तुम लोग तो अंधे मत हो जाओ। अरे 150 करोड़ की आबादी वाले इस देश में चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो देश को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। देश के लिए खेलो, धर्म के लिए नहीं। और असली देशभक्त वही है जो देश को तोड़ने की नहीं, जोड़ने की बात करता है। और हमारा देश अगर खराब होता ना, तो हम लोग यहां खड़े रहकर देशभक्ति की बातें नहीं कर रहे होते। एक बात बताओ बेटा, नफरत के बाजार में अगर जाओगे ना तो नफरत ही मिलेगी। तुम लोगों ने कभी किसी बड़े बिजनेसमैन या नेता के बच्चों को आपस में लड़ते हुए देखा है? या कभी सचिन या अजहरुद्दीन को आपस में लड़ते हुए देखा है? मैंने देखा इनको लड़ते हुए, मगर आपस में मिलकर देश के लिए लड़ते हुए देखा है, धर्म के लिए नहीं। अफसोस, तुम लोग भी उन्हीं लोगों में से निकले। मैं धर्म के लिए लड़ने वालों को नहीं सिखाता, देश के लिए लड़ने वालों को सिखाता हूं। कचरा जो है ना, वो समंदर के किनारे अच्छा लगता है, समंदर में नहीं। और मुझे कचरा बिल्कुल पसंद नहीं। धन्यवाद आप लोगों का, अच्छी गुरु दक्षिणा दी आप लोगों ने। सॉरी कोच। Go!
हम जान सकते हैं आपका फेवरेट नेता कौन होगा? मेरा फेवरेट नेता वो होगा जो देश का सच्चा बेटा होगा। हिंदू से नफरत ये कुरान नहीं कहता, भारत की मस्जिद तोड़ो ये श्री राम नहीं कहता, रोटी का कोई धर्म नहीं होता, पानी की कोई जात नहीं होती, जहां इंसानियत हो जिंदा वहां मजहबों की कोई बात नहीं होती। किसी को लगता है हिंदू खतरे में तो किसी को लगता है मुसलमान खतरे में। मेरे दोस्तों, धर्मों का चश्मा उतार कर देखो तो पता चलेगा कि हिंदुस्तान खतरे में।